रोजमर्रा की जिंदगी में हमने खरीदी हुई कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। हमारा काम हो जाने के बाद हम उन चीजों पर ध्यान नहीं देते, लेकिन उन चीजों पर कुछ निशान या उनके कुछ अजीब अजीब आकार होते हैं जो क्यों बने हैं इसका हमें कोई अंदाजा नहीं होता। किसी भी प्रोडक्ट पे बना कोई भी निशान या आकार यूं ही नहीं बना होता है, उसके पीछे कोई कारण होता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं उन आम चीजों के बारे में जिनका इस्तेमाल आप नहीं जानते। लेट्स बिगिन। नंबर 5, बॉटम्स ऑफ बॉटल्स। आप स्प्राइट, फेंटा या पेप्सी तो पीते ही होंगे। गर्मी के मौसम में ऐसी चीजें तो हमारे लिए आम सी बात है, लेकिन क्या कभी भी आपने ये जानने की कोशिश की है कि इन बॉटल्स के बॉटम में ये बम्प्स क्यों होते हैं? इसका जवाब शायद आप नहीं जानते होंगे। इसके पीछे एक नहीं बल्कि कई कारण है। पहला कारण तो ये है कि इस बम्प्स की वजह से इस बॉटल को मजबूती मिलती है। ये बॉटल गिरने की वजह से पड़ने वाला प्रेशर इन बम्प्स पे पड़ता है और ये बॉटल को दरारें नहीं पड़ती। दूसरा रीजन ये है कि इसके मैन्युफैक्चरिंग के वक्त जब इसमें गैस भरी जाती है तो दबाव की वजह से ये थोड़ी सी फूल सकती है। ऐसे में ये बम्प्स इस प्रेशर को सही तरीके से बर्दाश्त कर लेते हैं। यही कारण है जो सॉफ्ट ड्रिंक के बॉटल के बॉटम में बम्प्स होते हैं। नंबर 4, सर्कल्स ऑन पैकेट्स। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आपको पता ही होगा कि उन्हें लेस, कुरकुरे जैसी खाने की चीजें कितनी पसंद होती है। आप भी इसे बड़े चाव से खाते होंगे, लेकिन आपने शायद ही कभी नोटिस किया होगा कि इन जैसे कई पैकेट्स के नीचे अलग अलग कलर्स के सर्कल्स मौजूद होते हैं। ये सर्कल्स कोई ऐसे ही नहीं होते, इसके पीछे एक कारण होता है। असल में जब ये पैकेट प्रिंट हो रहे होते हैं तो इंस्पेक्टर देखता है कि कहीं प्रिंटर में किसी रंग की स्याही तो खत्म नहीं हो रही। इन सर्कल्स के माध्यम से पता चलता है कि हर तरह के कलर्स अच्छे से प्रिंट हो रहे हैं। अगर कोई रंग सही से प्रिंट नहीं हो रहा होता तो वो कलर प्रिंटर में फिर से फिल किया जाता है। नंबर 3, टूथपिक सीक्रेट। आप होटल में जाते हो, खाना खाते हो और खाना खाने के बाद आपको एक टूथपिक दी जाती है ताकि आप इससे आपकी दांतों में फंसा खाना निकाल सको। लेकिन आपने इस टूथपिक को गौर से देखा होगा तो कभी तो ये सवाल आपके दिमाग में आया होगा कि इसके पीछे ये डिजाइन क्यों बना होता है। असल में ये डिजाइन इसलिए बना होता है ताकि इस टूथपिक को यहाँ से आसानी से तोड़ा जा सके और इस टूटे हुए टुकड़े पे इस्तेमाल की हुई टूथपिक रख के इसका फिर से इस्तेमाल किया जा सके। इस तरह से टूथपिक रखने की वजह से इसका अगला सिरा गंदा नहीं होता। नंबर 2, होल इन सॉफ्ट ड्रिंक कैन। आपने भी कैन में पैक हुई पेप्सी, माउंटेन ड्यू ऐसे ही कई सारी सॉफ्ट ड्रिंक पी होगी। इस पे लगे पॉप टैप के सहारे इस कैन को खोल के इसे पिया जाता है। लेकिन कभी आपके दिमाग में आया है कि इस पॉप टैप में ये होल क्यों बना होता है? आप भी अगर यही सोच रहे हो कि ये होल इस कैन को खोलने के लिए उंगलियों को अच्छी ग्रिप प्रदान करता है तो आप भी मेरे जैसे गलत सोच रहे हो। ये होल उनके लिए होता है जो सॉफ्ट ड्रिंक स्ट्रॉ से पीना चाहते हैं। जी हाँ, इस होल को बस थोड़ा सा घुमा के इसमें स्ट्रॉ डाल के आप आसानी से इसे पी सकते हो। नंबर 1, कैप ऑफ पेपर कटर। हर कोई शख्स कभी न कभी पेपर कटर का इस्तेमाल तो किया ही होगा, लेकिन कोई नहीं जानता कि इसके पीछे लगे कैप का किस किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हर कोई आम इंसान यही सोचता है कि इस कैप का इस्तेमाल इसे पकड़ने से ज्यादा किसी और चीज के लिए किया ही नहीं जा सकता। लेकिन जरा रुकिए, ये देखिए, जब भी किसी कटर के ब्लेड के अगले हिस्से की शार्पनेस कम हो जाती है और वो अच्छी तरह से पेपर नहीं काट सकता, ऐसे में इस कैप को निकालकर ब्लेड को अगले हिस्से में इस कैप में फंसाकर वो अगला हिस्सा तोड़ा जाता है, जिस वजह से ब्लेड का शार्प हिस्सा आगे लाया जा सके और कटर को फिर से इस्तेमाल में लाया जा सके। आपको इन 5 चीजों में से कितनी चीजों का इस्तेमाल पहले से पता था? और अगर आपको इन सारी चीजों का सही उपयोग अभी पता चला हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो का दूसरा पार्ट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 जरूर लिखें।